के उत्तरी हिस्से पर बसा देश का सबसे अहम और खूबसूरत राज्य जम्मू और कश्मीर, जहां एक ओर आसमान छूती चोटीनुमा पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर सांसों में ताज की बिखेरती फिजाएं हैं। हिमालय पर्वतों की गोद में बसे इस राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को नजर भर देखने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। प्रकृति की इन वादियों में जहां खूबसूरती बेशुमार है, वहीं इस इलाके में दुश्मन की नापाक गतिविधियों का खौफ भी हर वक्त कायम रहता है। राज्य की सरहदों से सटे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन हर वक्त ताक लगाए रहते हैं भारत के इस खूबसूरत हिस्से को हथियाने के लिए। साल सन 1999, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर कब्जा करने की फिराक में था। नियंत्रण रेखा लांघकर दुश्मन देश अपने खौफनाक इरादों के साथ कश्मीर के कारगिल जिले की चोटियों पर दस्तक दे चुका था। दुश्मन को इस बार पूरी उम्मीद थी कि वो कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर कश्मीर का एक प्रमुख हिस्सा हथिया लेगा। पूरी तैयारी के साथ दुश्मन देश पाकिस्तान ने भारतीय चोटियों पर अपनी थाक जमा ली थी। साथ ही भारतीय जवानों के बढ़ते हर कदम पर अपनी निगाहें बिछा दी ताकि भारतीय जवान उन तक ना पहुंच पाए। कड़ी चुनौती, हर कदम पर मौत, मगर फिर भी भारतीय जवान अपनी मातृभूमि की खातिर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। अपने फर्ज को याद कर भारतीय जाबाजों ने कारगिल की चोटियों से दुश्मन को खदेड़ने की कसम खा ली थी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। भारत माँ का हर लाल तिरंगे की शान को बनाए रखने की खातिर अपनी जान तक न्योछावर करने को बेताब था। भारतीय जाबाजों ने कारगिल की चोटियों से दुश्मन को खदेड़ने के लिए जो योजना तैयार की उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर जाबाज पूरे जोश और जुनून से आगे बढ़ रहा था। और उन्हीं जाबाजों में से 17 जाट रेजिमेंट के जवान सुरेंद्र सिंह पूरे दमखम के साथ दुश्मन से लोहा ले रहे थे। 7 जुलाई सन 1999, कारगिल की जंग दिन ब दिन और भयंकर होती जा रही थी। धरती मां के कई लाल मातृभूमि की हिफाजत करते हुए शहादत को गले लगा चुके थे। हरियाणा के जाबाज सुरेंद्र सिंह की टुकड़ी को टास्क था द्रास सेक्टर की चोटी संख्या 4875 पर कब्जा कर चुके दुश्मन को खदेड़ फेंक। फर्ज को निभाते हुए भारत माँ के ये जाबाज मिशन को अंजाम देने के लिए पूरे जोश के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कारगिल के युद्ध में वही जवान गए थे जो फिट थे, जिनमें हिम्मत थी चलने की, पहाड़ के ऊपर चढ़ने की। पूर्ण आदमी में वो शामिल होकर के 15 दिन ट्रेनिंग किए उन्होंने। उसके बाद में लड़ाई में शामिल हुए। 6 तारीख को ये 10 आदमी गए पहाड़ी के ऊपर 4875 नंबर पहाड़ी लेने का इनको सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से आदेश मिला था। इससे पहले धरती के इस जाबाज ने टाइगर हिल और विंपल की चोटियों पर भी अपने साथियों के साथ मिलकर विजय हासिल की थी। कारगिल की जंग में दुश्मन लगातार भारतीय जाबाजों के हर रास्तों को रोकते हुए उन पर निशाना साध रहा था। वो लड़ाई बहुत कठिन लड़ाई थी, दूसरी लड़ाइयों से भिन्न थी। उसमें एक तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था, दूसरा बरसात हो रही थी। बरसात के अंदर पहाड़ी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। ऊपर से दुश्मन का फहरा रहा था और अंधेरी रात, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता नहीं। तो उसमें रस्से बांध बांध करके वो चढ़े और उसमें वॉलंटियर गया है। सबसे बड़ा योगदान है कि उसका नाम या नंबर नहीं था लड़ाई में जाने का उस रोल में, लेकिन वो खुद गया कि मेरे को इसमें जाना है। भारत माँ के लाल बिना डरे हर चुनौती का सामना कर दुश्मनों के मंसूबों को रोकते हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्हें मौत की नींद सुला रहे थे।
हरियाणा के इस वीर जाबाज ने भी अपनी बहादुरी के दम पर कई पाकिस्तानियों को मौत के हवाले कर दिया था। जैसे जैसे सुरेंद्र सिंह अपने लक्ष्य को पाते जा रहे थे, उनके दिल में जोश और जुनून और गहरा होता जा रहा था। वो पूरे जज्बे के साथ अपने साथियों की हिफाजत करते हुए अपनी टुकड़ी के सबसे आगे चलते हुए दुश्मन पर लगातार हमला बोल रहे थे। तभी अचानक चोटी पर कब्जा किए पाकिस्तानियों से मुकाबला करते हुए वो बुरी तरह घायल हो गए। गोली के पास जाओगे तो गोली लगेगी, तो दिलवाड़ा ही जा सकता है, इसलिए वहाँ गया। उसने योगदान सबसे बड़ा है कि वो आगे चल रहा था पूरे टाइम, पूरी उस लड़ाई में वो आगे चल रहा, शाम को लेकर सुबह चार जब तक वो शहीद नहीं हुआ जब तक, और लोगों के ऊपर अंधाधुंध फैर हो रहा था, उनसे बचाने के लिए उनका हथियार छीना है, तो जब दुश्मन का अधिक फैर आ गया तरना मुश्किल हो गया, तो इसने झपटके हथियार खोस लिया कि हथियार खोसने से आगे बढ़ने देगा नहीं तो जाने नहीं देगा। हथियार खोसा तो उस झटके से थोड़ा ये भी नीचे खिसके ऊपर से हैंड ग्रेनेड भगा दिया, वो उनको जाके यहाँ लगा इस साइड। उनका शरीर जख्मों से छलनी हो गया, मगर फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के सामने डटे रहे और अपनी मातृभूमि की हिफाजत करते हुए शहादत का जाम पी गए। ऑपरेशन विजय में जो लक्ष्य उन्हें दिया गया था, उसे पूरी लगन और फर्ज के साथ उन्होंने पूरा किया। भारत मां के इस जाबाज की कुर्बानी आज हर किसी पर कर्ज है। उनकी यादों को भुला पाना हर उस शख्स के लिए नामुमकिन है जिसने उनके साथ जिंदगी के अनमोल पल बिताए। जो शहादत का गर्व हम आज महसूस कर रहे हैं, उस दिन तो हमारे अंदर सेम अपने आप से अलग हुए जा रहे थे और हमारे नाम का तो आसमान फट चुका था। गांव में आसपास के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी थी, कम से कम 10,000 आदमी यहाँ पे होंगे, सुरेंद्र सिंह अमर रहे, सुरेंद्र सिंह अमर रहे, इस बात के नारे लगाए जा रहे थे।